हेलो दोस्तों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा चैनल में आप लोग के बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी में आज हम एक यूनिक तरीका से चटनी बना रहे हैं। शायद आप लोग खाए होंगे तो कमेंट करके बताइएगा, और नहीं खाए होंगे तो एक बार ट्राई करिएगा दोस्तों। एकदम यूनिक है और टेस्टी है, फाइबर से भरपूर, विटामिन सी से सब मिलेगा उसमें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चूल्हा को फ्लेम को जला लिए हैं और पैन गरम हो गया है। अब इसमें ऑयल डालते हैं। तो इस चटनी बनाने के लिए दोस्तों सरसों तेल का इस्तेमाल नहीं करिएगा, बाकी कोई तेल के तिल, सनफ्लावर, मूंगफली ये सब के आप यूज करिएगा। सरसों के तेल में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें जो डालेंगे वीडियो में दिखाएंगे तिल का ही बनता है, नारियल का, तो उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता है। तो सबसे पहले तेल डाल दिए। अब इसे सबसे पहले उड़द दाल डालते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा दोस्तों, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि बना रहे चटनी बहुत अच्छा बना रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा समझाने में। तो उड़द की दाल है 1 चम्मच। तो सबसे पहले उड़द की दाल डालते हैं। फ्लेम को एकदम लो रखेंगे। और 1 चम्मच चना का दाल है, उसको भी डालते हैं। और इसमें तिल है, तिल को भी डालते हैं। थोड़ा इसको मिक्स करते हैं। फ्लेम लो रहेगा तब तो ये अच्छा से पकेगा, ऐसे जल जाएगा। इस तरह से फ्लेम लो ही रखना है। अब इसमें डाल रहे हैं 2 सूखी मिर्च और 2 हरी मिर्च। साबुत डाल देते हैं, इसको पकाते हैं। थोड़ा सा हींग, एक चम्मच कड़ी पत्ता, सब कुछ इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे। बनाने में आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी भी है, स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदा है। अब इसमें डालेंगे आंवला। आंवला तो अभी मार्केट में बहुत फ्रेश आ रहा है, इसको फ्रेश करके धो करके इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। अब इसको लो फ्लेम पर भूनना है। अब इस चटनी में थोड़ा सा कटी हुई आदि, चार कली। अब इसमें डालेंगे आंवला। आंवला तो अभी मार्केट में बहुत फ्रेश आ रहा है, तो इसको फ्रेश करके धो करके इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। अब इसको लो फ्लेम पर भूनना है। अभी चटनी में थोड़ा सा कटी हुई आदि, चार कली लहसुन। और स्वाद के अनुसार नमक डालते हैं, नमक से पकेगा जल्दी। और इसे पानी नहीं डालना है, इसमें एकदम लो फ्लेम करके और ढक ढक के पकाना है। आंवला बहुत जल्दी पक जाता है, सब हो जाता है। और इसी में साथ में 1 कप फ्रेश नारियल, कच्चा नारियल को ये हम लोग पूजा के लिए लाते हैं शनिवार के दोस्तों, तो पूजा भी कर लेते हैं भगवान के भोग लगा करके और अपना भी भोग लगा लेते हैं। तो फ्रिज में रखा रहता है। तो इस तरह से रेसिपी भी तैयार कर लेते हैं। एक बार आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, मेरा वीडियो को फॉलो कीजिएगा और सपोर्ट करते रहिए और फुल वीडियो देखते रहिए। मैं जितना भी वीडियो डाल रही हूँ दोस्तों, वीडियो अच्छा है, आप लोग ट्राई करिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिए। अब इसको ढक देते हैं। बीच में चेक करते हैं और इस तरह से पलट पलट करते रहते हैं।
चेक करते हैं वापस और इसको देखते हैं। मेरा मिश्रण तैयार हो गया है, देख लीजिए ये आंवला कट जा रहा है, नज़र आ रहा है दोस्तों इस तरह से। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, एकदम थोड़ा सा कट होने पर इसको पकाना है, क्योंकि आंवला तो ऐसे भी खाया जाता है, कसैला पर लगता है, लेकिन विटामिन सी से भरपूर है, इसमें बहुत विटामिन है भरपूर के, और तिल में भी बहुत विटामिन है, पोषण तत्व से खजाना है। और मेरा जोड़ों के दर्द में बहुत काम आता है, तिल के तेल को मालिश करना, खाना बहुत अच्छा है। तो फ्लेम को बंद करते हैं और इसको बाहर बर्तन में निकालते हैं और ठंडा होने तक इसको वेट करते हैं। वापस इसी तेल में डालते हैं सरसों का तेल। इस चटनी में सरसों का तेल से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस मसाला भूनने भर, जो भी इसमें मिश्रण मैं डालूँगी तो उसको भूनने भर इसको मैं डालना है। तो सबसे पहले जीरा डालते हैं, एक एक चम्मच सब है, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच सौंफ, फ्लेम को लो ही रखेंगे, एक चम्मच राई दाना थोड़ा सा, उड़द दाल, चना दाल सब एक एक चम्मच है, और इसको भी थोड़ा भून लेते हैं। और इसमें चार हरी मिर्च और दो सूखी मिर्च को डाल देते हैं। एकदम चटनी को एकदम चटपटा बनाना है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट रहता है दोस्तों, एक बार आपको जरूर ट्राई करिएगा। और इसमें डालते हैं आधी 5-6 कली लहसुन, कड़ी पत्ता, और इसमें आंवला भी डाल दिए। और सेम वीडियो है दोस्तों, इसमें जो एक वीडियो में पहले डाली हूँ इस तरह से आंवला का चटनी बना करके, बहुत टेस्टी बना था। तो साथ में मैं एक नया तरीका से बना रही हूँ, तो साथ में ही इसको भी आप लोग को दिखा रही हूँ। तो चटनी हम हमेशा बना के रखते हैं, खाने के लिए बहुत टेस्टी बनता है। और ये है कि एकदम 6 महीना साल भर तक भी आप रख सकते हैं इसको फ्रिज में। फ्रिज में खाना पसंद करते हैं तो इसमें आइसक्रीम जमा करके भी आप रख सकते हैं। तो हम लोग तो फ्रिज के खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि फ्रिज के खाना से आप जान ही रहे हैं कि कितना स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो थोड़ा सा इसमें हींग डालते हैं, तो इसी चलते हम लोग बाहर ही रखते हैं और 20 दिन 1 मंथ का बनाते हैं अचार। और जब तक आंवला मिलता है बनाते हैं, फिर 4 मंथ के लिए आंवला बंद हो जाता है तो अचार लगा के रख देते हैं। फिर फ्रिज के एकदम बिल्कुल नहीं खाते हैं। आप लोग फ्रिज के खाना पसंद करते हैं तो आप लोग खाइएगा। अब इसको वापस थोड़ा ढक देते हैं, फ्लेम को लो कर दिए हैं, चेक करते हैं। और इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं, नमक से थोड़ा पकेगा जल्दी। इस तरह से मिक्स करेंगे, फिर वापस चेक करते हैं दोस्तों। तो मेरा चटनी बनाने वाला जो मिश्रण था वो पक गया है, देखिए इतना ही पकाना है, एकदम देखिए इस तरह से मैश हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इस तरह से पकाना है। तो चूल्हा को फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब इसी स्टेज पर धनिया का पत्ता डालते हैं, डंठल सहित इसको फ्रेश करके काट लिए हैं मोटा मोटा, तो इसमें डाल करके और इसको पलट पलट के चला देते हैं। इसे फ्लेम बंद करके ही डालना है, हल्का गर्म रहे तो उसी समय डालना है धनिया का पत्ता। एक बार आप लोग ये चटनी बना के खा लीजिएगा तो चटनी का फैन हो जाइएगा दोस्तों, कितना टेस्टी, हेल्दी, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। मार्केट में तो बहुत तरह के चटनी सॉस मिलता है, लेकिन आप घर पर बना के देखिए एक बार कितना टेस्ट लगेगा, और मार्केट वाला तो आपको दोनों का मतलब स्वाद लेकर के आपको टेस्ट में अंतर पड़ेगा, तो आप खुद अपना घर पर बनाना शुरू कर दीजिएगा। तो मार्केट में तो बिल्कुल जाना ही भूल जाइए, और घर पर बनाने के लिए शुरू कर दीजिए। तो इसको ठंडा होने के लिए वेट करते हैं, तब तक दूसरा चटनी को पीस लेते हैं। तब तिल वाला चटनी और नारियल वाला
के मिश्रण ठंडा हो गया है, इसको मिक्सर जार में डालकर इसको अच्छी तरह से पीसते हैं। अब इसमें खट्टा के लिए थोड़ा सा इमली डालते हैं। आप खट्टा खाना पसंद करते हैं तो डालिए, और नहीं तो स्किप कर दीजिए, ऐसे भी टेस्ट लगेगा, लेकिन इसे डालने से फिर और टेस्ट बढ़ेगा। एक बार बना के देखिएगा। तब इसमें थोड़ा सा सबसे पहले ऐसे पीसेंगे बिना पानी के। चटनी पीस गया है, अब इसको देखते हैं। देखिए कितना अच्छा चटनी बना है, इतना इसका सेंट एकदम सोना सोना रहा है तिल के चलते, बहुत टेस्टी बना है चटनी। तब इसको बाउल में निकाल लेते हैं। चटनी पीसने के लिए इसे एक कप पानी लगा है, पानी तो डालना ही पड़ेगा, पहले सूख ले पीस के फिर वापस पानी डाल के पीसे हैं, तो एक कप पानी लगा है, यानी 200 ग्राम का कप है, तो हिसाब से आप बनाइएगा। और इसका कंसिस्टेंसी इसी तरह से रखिएगा, इतने हल्का एकदम दरदरा, एकदम बारीक मत करिएगा, बारीक एकदम करिएगा ना तो वो तो दूसरा तरह से टेस्ट हो जाएगा। देखिए हल्का हल्का मोटा रहता है ना दरदरा, तो टेस्ट ही इसका अलग होता है। तो इस बाउल में निकालते हैं चटनी को। अब इसको साइड में रखते हैं और दूसरा वाला चटनी के लिए भी तैयारी कर लेते हैं। तब दूसरा वाला चटनी को भी मिश्रण के इसमें डालते हैं इस तरह से। सारा मिश्रण को इसमें ले लिए हैं और इसमें खट्टा मीठा के लिए गुड़ डालते हैं। गुड़ डालने से टेस्ट भी बहुत काफ़ी होगा और कैसा लेपन है वो भी कम हो जाएगा, और इसमें विटामिन सी भी रह जाएगा। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर फेंक दिया गया है पानी में उबाल करके, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट एकदम हरा डाल करके भून के बनाए हैं, तो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितने चटनी टेस्टी बनेगा और हेल्दी, और खाने में आप स्वस्थ भी रहेगा आदमी। तो इस तरह से आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, और इस कोई मेहनत नहीं ज़्यादा लगा है। इसको भी पीसते हैं, इसमें पानी नहीं डालना है, इतना ध्यान रखना है। चटनी पिसा गया है, इसको दिखाते हैं। देखिए इसी तरह से चटनी एकदम मोटा होना चाहिए, देखिए एकदम दरदरा ये चटनी अच्छा लगता है, एकदम बारीक नहीं, बहुत टेस्टी बना है चटनी दोस्तों। एक बार आप जब ट्राई करिएगा मेरा रेसिपी को और कमेंट में लिखिएगा। तो दूसरा बाउल में इसको ट्रांसफर करते हैं चटनी को। सारा चटनी को बाउल में ट्रांसफर कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा इसका कंसिस्टेंसी आया है, कितना अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि मुंह से एकदम पानी आ रहा है। एक कुछ भी कोई पकवान में भी ये चटनी आप खा सकते हैं, और इसको स्टोर करने के लिए आप एक बार बना लीजिए, पूरे एक सप्ताह बिना फ्रिज में रखे हुए इसको खाइए। और फ्रिज में रख के खाना पसंद करते हैं तो एक माह से डेढ़ माह तक आप खा सकते हैं। और एकदम पीसिएगा तो इसी तरह से एकदम दरदरा पीसिएगा चटनी। तो फिर आगे के प्रोसेस दिखाते हैं। अब तड़का लगाने के लिए फैन गर्म कर लिए, इसे ऑयल डालते हैं। ये ऑयल मूँगफली का ऑयल है, और इसमें डालेंगे चना का दाल, उड़द दाल, एक सूखी मिर्च, कड़ी पत्ता, हाफ चम्मच राई, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे इसमें। अब इसमें तड़का तरफ से, अब देखिए चटनी का लुक कैसा हो गया और कितना टेस्टी बना। अब इसको मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा तरफ से। अब परोसने के लिए मेरा चटनी तैयार है दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों चटनी बनकर तैयार।